अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिनी बॉल्स रसगुल्ले। तो आप देख सकते हैं मेरे जो रसगुल्ले हैं वो कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स में शेयर करें। मैंने यहाँ पे रसगुल्ले बनाने के लिए फुल फैट मिल्क यूज़ किया है 1 लीटर, और अब मैं इसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी। मैंने पूरा 1 लीटर मिल्क लिया है यहाँ पे फुल फैट वाला। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें एक उबाल आने तक मैं वेट करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुकी है। उबाल आने के कुछ देर के बाद हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। मैंने विनेगर छोटे वाले मेज़रमेंट कप से मैंने 1/2 कप लिया है। देख सकते हैं थोड़े देर के बाद मैंने विनेगर डालना शुरू कर दिया है। आप देख भी सकते हैं कि मेरा जो छेना है वो अलग हो चुका है। मेरे पास विनेगर थे मैंने सारे ऐड कर दिए। अब मैं इसे अच्छे से छान कर, अब देख सकते हैं छान कर मैंने इसे 20 मिनट तक रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे देख सकते हैं आप इसे हाथों के जो इस भाग से मैं इसे अच्छे से प्रेस कर अच्छे से मिलाऊंगी। इसी तरह से हम मिलाते रहेंगे जब तक हमारे हाथों में ऑयल ना आ जाए, पूरे अच्छे से हमारा जो छेना है वो अच्छे से ना मिल जाए। तब तक हम इसका बहुत अच्छे से एक डो बनाएंगे। डो बनाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, या तो फिर आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे पूरे अच्छे से मिला रही हूँ अपने हाथों से। मैंने इसे पूरा मिला लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे जो है बॉल्स बना लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स, आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली मेरी जितनी सारी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैंने बॉल्स सारे बना कर रेडी कर लिए हैं। अब हम पैन लेंगे। देख सकते हैं मैंने एक पैन ले लिया है। मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी ले ली है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ 2 से 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इलायची ऐड करूंगी 2 स्पून। पहले इलायची के दाने को खोल लिए अच्छे से। आप इसे कूट कर भी अच्छे से ऐड कर सकते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे सबसे पहले। अब देख सकते हैं हमारे जो पानी है उसमें उबाल आ चुकी है चाशनी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर।
ताकि हमारे जो रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए वो बहुत ही अच्छा सा कलर आएगी उसमें। आप देख सकते हैं मेरी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है, और मैंने जो अपने बॉल्स है वो भी तैयार करके रख लिए हैं, मिनी बॉल्स रसगुल्ले। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो मिनी बॉल्स रसगुल्ले हैं, उसे सारे बॉल्स हम ऐड कर लेंगे इसमें। अब हम इसे ढक देंगे। आप देख सकते हैं मेरे जो मिनी बॉल्स हैं वो कितने अच्छे से फूल कर रेडी हो रहे हैं। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से चलाकर फिर इसे अच्छे से ढक देंगे। देख सकते हैं मेरे रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं। मैंने उसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उबाल कर पकाया है। आप देख सकते हैं हाथों से ब्रश करने के बाद आप इसे चाशनी में फिर से डालेंगे तो ये कितने अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद आप इसे आराम से सर्व कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं मेरे रेसिपी के साथ।